ओके तो जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था डोमेस्टिक वायरिंग, कि डोमेस्टिक वायरिंग इज नॉट जस्ट पैरेलल एंड नॉट जस्ट सीरियल. इट्स नॉट लाइक कि एक डोमेस्टिक वायरिंग में हमारे सारे सीरीज में ही कनेक्टेड होते हैं, सारे पैरेलल ही कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस. ओके, डिफरेंट रूम्स, जैसे काफी रूम्स में भी आपके सीरीज में कनेक्टेड है, एंड देन आपके इंटरनली एक रूम में सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, और रूम्स आपके पैरेलल कनेक्टेड है, इंटरनली रूम में सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है. बट मोस्टली मोस्टली पैरेलल होती है सारी कनेक्शन. ठीक है, स्पेशली अगर मैं स्विचेस की बात करूँ, पैरेलल. ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूम की बात करूँ सिर्फ. ठीक है, ओके. एंड याद रखना, इसमें आप लोग बैटरी नहीं बनाओगे, क्योंकि ये क्या है, डोमेस्टिक वायरिंग है, विच इज बेसिकली मींस कि ये बैटरी से नहीं चल रही है, लाइव और न्यूट्रल वायर से कनेक्शन ऐसा मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 220 वोल्ट सप्लाई लिखोगे. ठीक है, क्योंकि आपको मिल रही है कहीं से, दिस इज नॉट अ बैटरी. आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वायर से आती है, वो कहीं बैटरी से नहीं आ रही. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डॉट क्यों करा, ये मेरी क्या है, लाइव वायर, और ये मेरी क्या है, न्यूट्रल वायर. लाइव वायर न्यूट्रल वायर मतलब क्या होता है? लाइव वायर न्यूट्रल वायर मतलब कोई बताएगा मुझे? सर आपने वो एस क्या बनाया? यार वो बस सिंबल है उस लाइव का, अप्रोक्सीमेट का जैसा सिंबल होता है. ओके, ठीक है, तो चलो ये देखते हैं. लाइव वायर जिससे करंट मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है, एसी, वो एसी डीसी की जब बात करेंगे तब बात करेंगे. ठीक है, कि डिफरेंस क्या होता है, दैट इज बिट आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ योर सिलेबस, बट हाँ बाद में बात करेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते उस पर. सो अगर मैं ऐसे कनेक्शंस लूँ, ठीक है, एक सर्किट है मेरा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड यहाँ पे मान लो मैं अप्लायंसेज ऐड, यहाँ पे मैं अप्लायंसेज ऐड करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला अप्लायंस है. ठीक है, मे बी सॉकेट मान लो आप इसे. ठीक है, देन यहाँ पे मेरा दूसरा अप्लायंसेज है, मे बी यहाँ पे कोई बल्ब है. ठीक है, एंड देन ये मेरा तीसरा अप्लायंस है. मैं बीच में स्पेस क्यों छोड़ रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, सो इन केस में, इस सब केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सबके थ्रू फ्लो कर रही है. ठीक है, एंड सबके साथ अपने आइसोलेटेड स्विचेस है, कि मुझे जो डिवाइस ऑन करनी है वही डिवाइस ऑन. हैड इट बीन इन अ सीरीज कनेक्शन, हैड इट बीन इन अ सीरीज कनेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सीरीज कनेक्शन में होता, ठीक है, ये मेरी लाइव वायर एंड ये मेरी न्यूट्रल वायर, मान लो ये सीरीज कनेक्शन में होता, एक डिवाइस, दूसरा डिवाइस, तीसरा डिवाइस, ओके, देन स्विच. अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे कौन सी जलानी है, ठीक है, कौन सा डिवाइस को चलाना है, ये तीनों साथ में चलने लगे, है ना, है ना. यस तो सर इसीलिए इन मोस्ट केसेस आपको पैरेलल कनेक्शंस ही मिलेंगे, बट डोंट थिंक कि हमेशा ही पैरेलल कनेक्शंस मिलेंगे. क्यों? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो. सर आपने लाइव वायर पैरेलल के केस में ऊपर बनाई थी और इधर न्यूट्रल नहीं, वायर ऊपर बनाई थी, इररिलेवेंट, इसका इररिलेवेंट. भी एसी डीसी, एसी में इररिलेवेंट होता है, जैसे डीसी में आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है, बट एसी में सिंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, तो आप जैसे आपने देखा होगा, आप ये जो प्लग पॉइंट्स यूज करते हो, ठीक है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, हमेशा आपका अप्लायंस चल जाता है ना. तो द केस विद लाइव, द केस विद दिस करंट, इसमें आप करंट की, अगर हाँ करंट की डायरेक्शन बनाने में उसका फायदा हो, कि आप करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाओ कि लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर जा रही है, उसमें लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर जा रही है, उसके अलावा ओके सर. इट डजंट मैटर. ठीक है, क्लियर है इतना. यस अब मैं दूसरी बात, हाँ ऑनिक कुछ पूछ रहे हो सर सर मैं पूछ रहा था सर, आप एसी और डीसी क्या होते समझा सर, यार? बहुत ऑनिक कंफ्यूजन देखो, ऑनेस्टली बोलूंगा मैं, आई कैन बट वो फिर भी बात हो जाएगी, अभी उसमें लग जाएंगे 15-20 मिनट्स, एंड वी एक्चुअली डोंट हैव टाइम, तो सिलेबस में नहीं. ठीक है,
सो एंड इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड. तो वो आराम से अभी हमारा चैप्टर नैनी केस खत्म नहीं होगा, आज क्लास लेंगे, कल क्लास लेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस कर लेंगे टॉपिक्स. ठीक है, तो आपको डायग्राम्स वगैरह बना के बताऊंगा हाउ डज इट वर्क एक्चुअली. एक्सक्यूज मी सर, बोलो. सर इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट फिर कल ही? इलेक्ट्रिसिटी का कल ही टेस्ट है ओके सर। वैसे, बाय द वे, अगर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अल्टरनेट करंट डीसीएस डायरेक्ट करंट. ठीक है, ऑल्टरनेट करंट एंड डीसीएस डायरेक्ट करंट, ये याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इवन फ्रॉम पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा था कि हमेशा लेकिन सारे अप्लायंसेस पैरेलली कनेक्टेड नहीं होते. इसका एग्जांपल क्या है, अ लॉट ऑफ यू मे लिव इन हाउसेस जहां पे आप एक स्विच ऑन करते होंगे एंड साइमल्टेनियसली आपके रूम के फोर या फाइव लाइट्स ऑन हो जाती होंगी, है ना? काफी लोगों ने देखा सर होगा. हमारे इनफैक्ट घर अगर में आप, एक है ऐसा। हाँ, तो अगर आप सेंटर पे भी आए हो तो यस आपने नोटिस करा होगा, द मोमेंट यू स्विच ऑन वन, एक स्विच आप ऑन करते हैं साइमल्टेनियसली वो कितनी सारी लाइट्स ऑन कर देता है ना? तो वो सारी लाइट्स आपस में, सर, एक डाउट बोलो. सर, हमारे घर में ऐसा केस है सर, बाहर की जो लाइट है सर, हाँ जो है, तो फिर सर वो बाहर से जब ऑन होती है तो हम उसे अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं हाँ तो ये होते हैं आपके साइमल्टेनियस स्विचेस. ठीक है, इसमें क्या होगा आपके, फॉर एग्जांपल मैं सर्किट सर, बना के लेकिन अगर बताऊं. बाहर से बंद हो, मतलब ऐसा कर होता है। हाँ हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड. ठीक है, मान लो मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है, एंड उसके लिए मेरे पास दो स्विचेज है. ठीक है, उसके लिए मेरे पास दो स्विचेज, माने आपकी बल्ब है. ओके, ठीक है, विद्यांश इतना समझ आया? आपके पास यस दो सर, स्विचेज है, ये वाली दो स्विचेज. ठीक है, ये आपके इनसाइड, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ये कर दी, ये भी लाइव वायर उसकी तरह, ये क्या आप एसी की बात कर रहे हैं? ठीक है, सो ये आपके इनसाइड हाउस है, ठीक है, एंड ये आपके आउटसाइड. ठीक है, तो इनसाइड वाली जो है, या तो आप दोनों में से अगर इनसाइड वाली को ऑन करते हो तो बल्ब ऑन होगी. ठीक है, ठीक है, ठीक यस है, फिर आप जगह अगर आउटसाइड वाली को ऑन करते हो तो भी बल्ब ऑन हो जाती है ना? यस सर, सो यू कैन, ये साइमल्टेनियस स्विचेस होती है कि आप दोनों ही स्विचेस, अगर एक 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 सर्किट के लिए दो स्विचेस बने हुए हैं तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं. ठीक है, यस हाँ बोलो. सर, अगर इनसाइड वाला स्विच ऑन हो और हाँ, और बाहर, आउटसाइड आउटसाइड वाला यस ऑफ सर, हो, तो ये लाइट ऑफ यस कैसे सर, करेंगे? हाँ हाँ, तो लाइट ऑफ कैसे करेंगे? सी देखो, इसमें मैं बताता हूँ, देखो एक सेकेंड. बेसिकली अगर आप लोग की प्रॉपर हो रखी है, ठीक है, जैसे मतलब काफी जगह आपने देखा होगा कि अगर आप अंदर से ऑन करते हो, ठीक है, अगर आप एक जगह से ऑन करते हो तो दूसरी जगह आपका अपोजिट हो जाता है ना, कि आपको फिर वहां से ऑफ करना पड़ता है तब ऑन होता है. काफी जगह ऐसा होता देखा होगा आप, है ना? ये चीज तो सर, सबने जब नोटिस हम करी होगी. सर जैसे अगर हमारी बाहर ऑन है हाँ, और तो अगर आप हम, अगर हाँ, तो अंदर से सर ऑन वो करने तो उल्टा हो आपको ऑफ करनी जाता पड़ेगी, उसका है। वो यस अपोजिट हो जाता है. तो वो डिफरेंट सर्किट में होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो नीड टू डू अ लिटिल रिसर्च ऑन इट, कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, तो वो हम तब डिस्कस करेंगे. बट साइमल्टेनियस स्विचेस में यही होता है कि आपके दो स्विचेस होते हैं जो सेम कनेक्शन पूरा करते हैं. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इट, जो आपका डाउट है, एंड इनफैक्ट नाइस यू रेज दैट डाउट, नाउ इवन आई हैव दैट डाउट, दैट हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, कि दोनों सर्किट्स, अगर एक एक सर्किट अगर कंप्लीट है तो दूसरा इनकम्प्लीट कैसे हो, है ना? सो आई विल फाइंड आउट अबाउट इट एंड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास. ठीक है, यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट एंड देन विल साइमल्टेनियसली डिस्कस इन क्लास. ओके ओके सर, ओके ग्रेट. अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं मेरे, जो बात विद्यांश आप पूछ रहे थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो हम एडवांटेजेस, बस एक सेकेंड, हाँ, एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड डिसएडवांटेजेस
ऑफ सीरीज। ठीक है, तो पहले कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सर ये हमें टी टेबल में लिखना है पॉइंट्स जैसे आपका सब। मन करे पेपर में, जैसे ओके आपसे अगर डिफरेंसेस डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज साथ में पूछे गए तो आप टेबल भी बना सकते हो या पॉइंट टर्म में भी लिख सकते हो अलग से। ठीक है, अच्छा तो यस सर। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? बड़े सिंपल से, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू डिफेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर सो दैट आई कैन लीव सम स्पेस। आई गेस 4 एंड 5। ओके ओके, सो इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू डिफेक्ट देन नो अदर अप्लायंस इन द सर्किट वुड वर्क। सबने बचपन में फेरी लाइट्स यूज करी, इनफैक्ट अभी भी यूज करते होगे आप लोग। ठीक है, फेरी लाइट्स में क्या होता है, हमारे कनेक्शन का टाइप क्या होता है, वो सारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी बल्ब खराब होती है तो हमारी पूरी की पूरी लाइट्स खराब हो जाती है एंड वो वर्क नहीं करती है। एंड इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू फाइंड कौन सी वायर खराब हुई, तो जनरली दे आर यूज एंड थ्रो एंड वो वेस्ट हो जाते हैं ना। सर कौन सी लाइट्स? फेरी लाइट्स, दिवाली पे जो लाइट लगाते हो आप, अच्छा हाँ, सर तो उन लाइट्स की बात कर रहे हैं। वो पता ही नहीं चलता सर, वो खराब हाँ कैसे हो एग्जैक्टली। जाते। आजकल लेकिन अब आपने देखा होगा एलईडीज आई है। ठीक है, एलईडी वाली आती है, यस उसमें सर ऐसा सेम सिस्टम नहीं होता क्योंकि डायोड्स के साथ कनेक्शन डिफरेंट होता है। तो वो अगर डायोड बीच में खराब भी हो जाता है, डायोड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट यस एमिटिंग डायोड। सर सो अगर वो खराब भी हो जाता है तो वो सर्किट ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, सर हमारे पास एक ट्यूब सर, उसमें वो एक पूरा रोप टाइप है, वो प्लास्टिक हाँ। वायर एंड होता है ऐसे ऐसे सर भी उस। होते हैं कुछ कि जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों चल रहे होते हैं, जैसे एक सारी लाइंस आप एक लाइन में सीरीज में है बट वैसे पैरेलल कनेक्टेड है, जो जैसे मतलब नेट टाइप नहीं होते, जो प्रॉपर नेट्स होते हैं जो आप लगाते हो कोई यस लाइट के, सर उसमें ये होता है कि आपके साइमल्टेनियसली आपके पैरेलल कनेक्शन भी चल रही है एंड सीरीज भी चल रही है बिटवीन द बल्ब। सो उसमें एक लाइन खराब हो सकती है मे बी एंड दूसरी और पैरेलली कनेक्टेड है तो और मे बी ना हो। यस ओके, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स क्वाइट रेयर टू फाइंड ऐसे जो पूरे ही सिर्फ सिंगल वायरिंग पे पूरी फेरी लाइट्स होती हैं। इफ यू गो फॉर चीपेस्ट फेरी लाइट्स, नो मैटर हाउ चीप, दे वुड ऑलवेज हैव साइमल्टेनियसली फ्यू कनेक्शंस। ओके, मतलब कम से कम उसमें एक दो पैरेलल कनेक्शंस तो होंगे ही, सो यू कैन हैव वन डेड वायर एंड देन इवेंचुअली एक दो आपके फिर भी काम करे। वायर मैश होता है ना आपके, साइमल्टेनियसली वायर ऐसे कोएक्सियल केबल में की तरह ऐसे मिक्स्ड अप होती है, यस सर यू हैव यस सीन सर दैट। या यस तो मल्टीपल वायर्स सर वो पैरेलल ट्विस्टेड कनेक्टेड, होती है हमेशा। हाँ वो ट्विस्टेड, वो जब आप दैट इज अ थिंग दैट आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ोगे आगे जाके, दैट इज अ ट्विस्टेड केबल एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, डू रिमाइंड मी, मैं आपको केबल्स के बारे में बताऊंगा कि व्हाई आर केबल्स ट्विस्टेड। जैसे हम सबने देखा है केबल्स ट्विस्टेड होते हैं, है ना, हम सबने देखा ना क्या होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्यों होते हैं, हमें नहीं पता क्यों होते हैं। हम डायरेक्टली भी तो सीधे सीधे भी तो रख सकते थे, ये क्यों ट्विस्ट करते हैं। तो उसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड्स एंड स्टफ, सो वो डिस्कस करेंगे जब करेंगे। आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ इट। एनीवेज, ये समझ आ गया सबको, पहले पहला डिसएडवांटेज। यस उसके बाद द लैक ऑफ स्विचेस और मोर प्रिसाइजली लैक ऑफ स्विच फॉर ईच डिवाइस। ओके, अगर मैं एक, देर इज ओनली वन स्विच, ये पता है मुझे। ठीक है, अगर मैं एक मान लो मैं बहुत सारे स्विचेस लगा भी देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे स्विचेस अगर मैं लगा भी देता हूँ, कि जैसे ये है मेरा एक स्विच, ये मेरे दो स्विच एंड देन ये इलेक्ट्रिक सर्किट है मेरा,
सो इन दो स्विचेस का एक सीरीज कनेक्शन में कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ये स्विच कनेक्ट भी कर दूं तब भी मेरे बल्ब्स नहीं जलेंगे जब तक मैं दोनों ना कनेक्ट करूं, एंड देन इट मेक्स इट बेसिकली इम्पॉसिबल टू मेक साइमल्टेनियसली टू स्विचेस कि मेरा सिर्फ एक ही बल्ब ऑन हो. तो सीरीज कनेक्शन में देर आर लैक ऑफ स्विचेस फॉर ईच डिवाइस, दे कुड बी जस्ट अ सिंगल स्विच जिससे सारे डिवाइसेस ऑपरेट हो या बंद. क्लियर है बात? यस सर, एक सेकेंड दो, लेट मी स्विच माय वायर. अच्छा एनीवेज, अब एक बात, मैं एक और बात बता रहा हूँ एंड सब बोलना. हमने वोल्टेज और करंट की बात करी थी, ठीक है? तो सीरीज में क्या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या फिर कांस्टेंट होती है? सीरीज में सर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना? तो सीरीज कनेक्शन में मान लो मेरे पास 220 सप्लाई लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है. तो मान लो इसको 110 ही मिल रही है, इसको 50 मिल रही है, एंड इसको 60 ही वोल्ट मिल रही है. एंड ये सारे, क्योंकि आपने सारे डिवाइसेस देखा होगा, डिवाइसेस डिजाइंड होते हैं 220 वोल्ट पे काम करने के लिए, ठीक है? तो इन सबको 220 वोल्ट मिल ही नहीं रही है, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बल्ब लोगे तो वो डिम डिम हो जाएगा, फ्रिजेस आपकी काम नहीं करेंगे. तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो सबको इक्वल वोल्टेज नहीं मिल पाती है, कंपेयर टू पैरेलल कनेक्शन में जैसा हमने देखा था कि सबको इक्वल वोल्ट मिलेगी. तो हर डिवाइस को यहाँ पे मेरी 220 वोल्ट सप्लाई मिल रही है. क्लियर? क्लियर है बात? लिख दे इसको, इसको भी लिख देते हैं. तो मेरा क्या है, यस सर, ये पॉइंट है डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. आप पूरा लिखोगे सर ये मैं अप्लायंसेस. स्कूल में अच्छा, वेरी गुड. डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज. ओके, बोलो. सर जैसे आपने बताया था कि अगर हम कोई भी डिवाइस है उसको अगर ज्यादा करंट अगर हम फ्लो हो जाता है उसमें से, तो उसमें से हाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए जिससे कि डिवाइस को हार्म होता है. तो हाँ सर अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो उससे डिवाइस को ही हार्म होता है? अगर हम कम डिवाइस, हाँ यार, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑन इट. सो जनरली डिवाइसेस, इट डजंट वर्क द वे कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इज हार्मफुल फॉर डिवाइसेस. इवन अ शॉर्टर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हार्मफुल फॉर डिवाइसेस. डिवाइसेस आर डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, सो ऑपरेटिंग दैम एट लोअर लोअर वोल्टेजेस, ठीक है, बेसिकली लोअर वोल्टेजेस पे करने से वो डिवाइसेस फिर भी खराब हो जाते हैं. वो क्यों खराब होते हैं, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड क्वाइट अ लेंथी वन. बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बोथ आर हार्मफुल, इवन लेसर वोल्टेज दैन व्हाट द डिवाइस इज कैपेबल ऑफ एंड मोर वोल्टेज. ओके, ऑल ऑफ यू, आप तो इनफैक्ट न्यू, एक सेकेंड, ऑडिबल हो ना मैं? हाँ, ओके यस सर, ओके. सो नई डिवाइस नहीं, आप अगर एसी देखो तो उसमें काफी में इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स आते हैं. बट इफ वी ऑल हैव यूज स्टेबलाइजर्स इन द पास्ट, सो वी नो कि एसी के लिए हम हमेशा स्टेबलाइजर्स यूज करते थे. क्यों? क्योंकि एसी इज अ डेलिकेट डिवाइस जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस नहीं सह सकता. तो आपकी जो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन आ रही है, दिस इज नॉट एवरी टाइम 220 वोल्ट, दिस डज फ्लक्चुएट. सो स्टेबलाइजर क्या करता है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है मेरे मेरे एसी को. सो स्टेबलाइजर का वो काम होता है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डेलिकेट डिवाइसेस खराब हो जाते हैं. इनफैक्ट जितने आपके फ्रिजेस भी होते हैं उनके भी कंप्रेसर्स खराब हो जाते हैं इवेंचुअली अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है. सो इट डजेंट मैटर कि वोल्टेज आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होगी, एंड गिवन कि मेरा अगर रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा डिवाइस का, डिवाइस से चेंज हो नहीं रहा है, तो करंट डिफरेंट आएगा, ठीक है? एंड दैट कुड हार्म योर डिवाइस एंड योर योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. ओके ऑनिक, सो इट गोज बोथ वेज. उसमें सर बोलो. सर 220 वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकती 220 वोल्ट से ऊपर नहीं जा, मतलब नहीं, हाँ ऊपर सर, नीचे दोनों जाती है यार. सर क्या क्योंकि मैं आपके जब
एमसीबीज क्यों पढ़े थे हमने? एमसीबीज की अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, अगर मैं आपको जनरली बता दूं लिखे बना, तो व्हाट आर एमसीबीज? एमसीबीज आर मिनिएचर सर्किट ब्रोकर्स, एंड वो ब्रेक क्यों करते हैं सर्किट? जिससे आपका एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी से आपका पूरे घर के और अप्लायंसेस हार्म ना हो. तो जब वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्ट के ऊपर चली जाती है, मेरी पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें सप्लाई लाइन से मिल रही है, सो वो ऑटोमेटिकली पावर काट देता है जिससे मेरी कोई भी डिवाइस हार्म ना हो. फ्यूजेस क्या करते थे पहले? एमसीबी में डिफरेंस क्या होता है कि वो सर्किट ब्रेक कर देता है, वो बंद हो जाता है और आप दोबारा उसे ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा. बट फ्यूजेस क्या करते थे? फ्यूजेस के जो रेजिस्टेंस हाई होते थे, फ्यूजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता था? उसका रेजिस्टेंस हाई था, उसकी पतली वायर्स थी जो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज विस्टैंड कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल वो 220 वोल्ट, 230 वोल्ट का बना रखा है. अगर 230 वोल्ट से मेरा करंट सप्लाई बढ़ता है तो वो वायर क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो यस जाएगा, सर, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो हार्म नहीं आए. करेक्ट, फिर उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट नॉट हायर देन हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्वाइट ऑब्वियसली. यस बिकॉज वो उसका पहली बात, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता टेक्निकली. उसका मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से डिजाइंड होता है कि वो एक पर्टिकुलर वोल्ट के बाद मेल्ट हो जाए. ठीक है, तो इट्स क्वाइट लो, इट्स नॉट सर, दैट हाई. ठीक है, गिवन नेचुरली जितना डिवाइसेस में या फिर वायर्स में होता है, दैट इज अ थिन वायर फ्यूज की. अगर आप किसी को बाय चांस, आई डोंट थिंक अ फ्यूजेस रेयरली कहीं यूज होते हैं, बट इन एनी केस अगर आपने कभी फ्यूज देखा हो तो उसकी जो इंटरनली वायर होती है वो बहुत पतली वायर होती है. ओके, तो इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस, एंड हाई रेजिस्टेंस से हम अभी आगे चल के हीटिंग इफेक्ट पड़ेंगे. फ्यूजेस मैंने क्यों नहीं पढ़ाया एमसीबी? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट का पार्ट, क्योंकि वो मेल्ट होना हीटिंग इफेक्ट का पार्ट. ओके, आई गेट यस इट. सर, ये जनरल डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम्स है तो आपको ये बातें दिमाग में रहेंगी, तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे. इनफैक्ट अगर परफेक्ट आंसर ना भी लिख पाओ तो आपको जनरल समझ आया रखा हुआ. इन एनी केस नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज. हाँ, डिसएडवांटेज में हम ये लिख सकते हैं सीरीज का, अगर बहुत ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हो तो वो हार्मफुल हो सकता है जो भी अप्लायंस है उसके लिए. हाँ मतलब बिल्कुल सही बात है. आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं, दैट इज वन ऑफ अ गुड पॉइंट्स, कि अगर मेरे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड है, सो वो जैसे हमने बोला था पहली बात, तो उसमें सोचनी है बहुत सारे कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है मेरा, सबको इवेंचुअली जो वोल्टेज मिल रही है बहुत कम मिल रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डिवाइसेस के लिए हार्मफुल है ना निक. यस सर, ओके, ऑल्सो अब एक और बात करते हैं, रेजिस्टेंसेस मेरे अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो क्या होते थे? अब हम सबने देखा था, अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो मेरी टोटल जो रेजिस्टेंस होती थी 1/R1, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट होती थी, ठीक है, एंड इंडिविजुअल सबकी रेजिस्टेंस होती थी. बट सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, मेरे सबके रेजिस्टेंसेज ऐड होते जा रहे, तो मोर डिवाइसेज आई ऐड द मोर माई रेजिस्टेंस. करेक्ट, तो रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज ज्यादा से हो रहा है इन सीरीज कनेक्शन जब मैं डिवाइस ऐड कर. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते, मान लो मेरा, हाँ, अगर मैं डिवाइस कनेक्ट करूं दो पैरेलल में, एंड एक की रेजिस्टेंस है 1/2, एक की रेजिस्टेंस है 1/4, तो मेरी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई? 3/4, है ना? यस सर, या फिर छोड़ो, इतने कॉम्प्लिकेटेड में भी मत समझो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं. मान लो मेरी एक की रेजिस्टेंस 2 ओम है एंड दूसरे की रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, दो रेजिस्टर लगाए हमने, ठीक है, तो मेरी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई? सॉरी, 1/2 + 1/2, है ना, विच इज इक्वल टू 1, है ना? तो मेरी यस टोटल रेजिस्टेंस इन यस सर, पैरेलल सर्किट हुई 1, एंड मेरी सीरीज कनेक्शन में कितनी हुई? 4 हुई, है फोर ना? फोर सीरीज कनेक्शन में कितनी हुई? 4 हुई. अच्छा, अगर मैं एक और ऐड कर दूं इसमें रेजिस्टर, तो क्या होगा? मेरा 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये कितना हुआ? 3/2. 3/2 इज व्हाट? यस 1.5, है ना? एंड इसमें मेरा क्या हुआ? 2, 2, 2, 6. सो मेरा ये तो 0.5 से ही बढ़ा, बट ये कितना? 2 से बढ़ गया. तो अगर मैं एक नई डिवाइस ऐड करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज ज्यादा से बढ़ रहा है, एंड अगर मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है तो मेरा जो पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ करेंट के टर्म्स पे समझो, तो मेरा करेंट रिड्यूस होता जाएगा जो हर डिवाइस को मिलेगा, है ना? यस सर, इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का इन डोमेस्टिक वायर. इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एक और पॉइंट बना के,
द ओवरऑल रेजिस्टेंस The overall resistance of the circuit increases to ओके ये पॉइंट भी लिख लो जल्दी से, ये पॉइंट लिख लो एंड देन बताओ, फिर हम एडवांटेज तो पैरेलल कनेक्शन करें। बोलो सर, आई हैव ब्रेक, कब मिलेगा ब्रेक? कब मिलेगा? अच्छा ब्रेक ले लो, ये लिख के ब्रेक ले लो, ये ब्रेक के ब्रेक ले लो, हम 25 पे मिलेंगे। सर ये पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस है ना? नहीं, ये सीरीज के डिसएडवांटेजेस एंड इसी के अपोजिट होते हैं ऐसे, तो पैरेलल के एडवांटेजेस तो वही है, इतनी कोई मेहनत नहीं है। ओ सॉरी, मैंने आप पे एडवांटेजेस के बाद देखेंगे। 25 तक आ जाओ वापस, ब्रेक ले लो 10 मिनट। थैंक यू सर। ओके 25 में मिलते हैं। सो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है? तो ये इजियर पार्ट है, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें दिक्कत क्या होती है, तो हमें पता है पैरेलल कनेक्शन वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो पैरेलल कनेक्शन में क्या है, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, कोई ब्राइट ले लेते हैं, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू डिफेक्ट, देन देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द working of other devices. Next, lack of switch for each device. Each device has a separate switch, or more like can have मतलब जरूरी नहीं है लगाए सेपरेट स्विच सबके लिए, बट ईच डिवाइस कैन हैव अ सेपरेट स्विच। उसके नेक्स्ट क्या है, डिवाइसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, ऑल डिवाइसेस गेट द सेम वोल्टेज। आई होप आप लोग ये वन लाइनर्स नहीं लिखोगे पेपर में, ये मैं आपको नोट्स देता हूँ इसलिए एक एक लाइन में लिखता हूँ, आप लोग इसको एक्सप्लेन भी करोगे क्यों क्या जो हम डिस्कस करते हैं क्लास में, करेक्ट? सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर वो कैन हैव के आगे आपने स्लैश लगाया, वो किसके साथ? मतलब ईच डिवाइस हैज और कैन हैव, ठीक है? सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हैज, या तो मतलब सब जरूरी नहीं है कि सबके सेपरेट स्विचेस बनाए, ऐसा जरूरी तो है नहीं। यस सर। ओके एक सेकेंड, ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने, डिवाइसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, तो ऑल डिवाइसेस गेट द सेम वोल्टेज, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। इस वाले फॉर्मूला का क्या लिखना है हमने,
इसका क्या क्या होगा सर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस देयरफॉर करंट इंक्रीज. हाँ, सो द ओवरऑल ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट्स is reduced due to which the current from power supply is high. Okay. समझ आ गया भाई सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो इसके बाद डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर. बोलो 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 सर. पैरेलल कनेक्शन जो है उनके कोई डिसएडवांटेजेस हैं? पैरेलल कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस या फिर सीरीज कनेक्शन के एडवांटेज? हाँ यार, सीरीज कनेक्शन के एडवांटेजेस है. फॉर एग्जांपल सीरीज कनेक्शन में मेरा बेनिफिट मेन क्या होता है, अगर मुझे साइमल्टेनियसली सारे डिवाइसेस को ऑन करना है तो मैं सीरीज कनेक्शन यूज कर सकता हूँ. दूसरी बात, व्हाट इफ इन केसेस मुझे चाहिए ही कम करंट, ठीक है, मुझे ऐसे डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं जिसमें, मान लो मुझे दो डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं जिसे 110 वोल्ट है के दो डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं और मुझे 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट करना है, तो मैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा. इट्स बेसिकली कि मेरी नीड क्या है, उसके बेसिस पे मेरे सीरीज के भी बेनिफिट्स हो सकते हैं. इन द सेम वे मेरा जो पैरेलल कनेक्शन है वो भी मुझे डिसएडवांटेजेस दे सकता है. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ डिवाइस, फॉर एग्जांपल आपका छोटा सा जैसे स्मार्ट बैंड्स होते हैं, ठीक है, स्मार्ट बैंड्स को अगर आप एक डायरेक्टली एसी पावर लाइन से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? डिसएडवांटेज ही है ना वो, तो बेसिकली पैरेलली अगर आप उसे कनेक्ट कर दो तो चार्जर्स जो होते हैं, अगर आपको पता हो चार्जर्स जो हमारे होते हैं ना, मेजॉरिटी नए चार्जर जितने भी होते हैं स्मार्ट सर्किट्स होते हैं, ठीक है, दे नो कि आपके डिवाइस को कितनी वोल्ट चाहिए, वो उतनी ही सप्लाई करते हैं, ठीक है. तो जो प्रॉब्लम्स हमारा पैरेलल कनेक्शन नहीं कर पाता उसके लिए हमें और भी बीच में डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं कि जिस डिवाइस को जितनी वोल्ट चाहिए वो उतनी ही दे, ठीक है. तो पैरेलल कैन हैव डिसएडवांटेजेस, इट्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ठीक है. तो यू कैन मेक पॉइंटर्स ऑफ दैट ऑल्सो, बट बेसिकली नॉर्मल सेंस में अगर बोले तो नॉर्मल सेंस में ये इसके एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस होते हैं पैरेलल कनेक्शंस के एंड डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज कनेक्शन के. ओके, समझ आ गया? यस सर, यस सर. कौन के लाओ सबने इस बोल? यस सर. ओके.